आता पता नहीं, थोड़ा सा 1% ठीक लग रहा है। नहीं हाँ तो हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ आलू का फ्रेंच फ्राइज, देखते हैं कैसा बनता है। आवाज़ भी ठीक से नहीं कर रहा, थोड़ा सा तभी थोड़ा सा आराम मिला यार, लेकिन बेटी का था कि मम्मा ये बना दो। फॉर 10 मिनट्स और हम लोग कंटेनर इसलिए चेंज किए क्योंकि वो प्लेट रख रहे थे तो वो फ्रिज बंद ही नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स देख सकते हो बॉईल में हल्का सा ठंडा, फ्रीजर में रखने के बाद हल्का टेम्परेचर लो होने दी ना। और मेरा हलवा कितना मस्त है। ठीक है, मुझे तो गीला बनाना था, इससे भी ज्यादा और गीला होता तो भी चलता, मेरा सूख गया रखे रखे। फ्रेंड्स देखो मेरा प्यारा फ्रेंच फ्राई, देखो कितना मस्त क्रिस्प हुआ है। तो खा के देख बताता हूँ मैं आपको, स्मेल एकदम ऐसे ही आ रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग बहुत अच्छे से। सभी को नमस्कार जोहार। और पता नहीं आजकल क्या हो जा रहा है फोन में, कभी कभी जो वीडियो बन रहा है ना वो रुक रुक के आवाज आ रहा है, क्या है पता नहीं है। और फोन ले भी नहीं सकते हैं अभी फिलहाल, तो किचन से वीडियो स्टार्ट होता है और आज भी हो रहा है। तो जनरली बोल रहे हैं हमेशा नहीं, तो यहाँ ये दलिया बना कर रख दिया मामा का और उसको समझाते समझाते परेशान हो गए हैं, तबीयत ठीक नहीं है अभी तक, नहीं है ठीक हो जाएगा। देखिए इधर हालत ख़राब है, मगर इन लोग का वही है ना, घर का साफ सफाई पहले इसको देखना है। देखिए बोले छोड़ दो, हालत देख रहे हैं हालत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, देखिए मगर दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं, तबीयत खराब है। दो दिन से नहीं हुआ, झाड़ू खाली कर दो। सुनो ना, एक काम करो यार, बहुत सारा चीज़ है करने के लिए, सब कर लो। खाली झाड़ू। और बाबू का तो छुट्टी स्टार्ट हो गया है, बेखबर अपना सो रहा है। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या होता है, क्या क्या होता है कि बहुत दिन से घर का ही दिखा रहे हैं, तबीयत खराब है तो ज़्यादा बाहर का शूट नहीं कर पा रहे हैं। और क्या बोला जाए, बस यही है, समझा के थक गए हैं, तबीयत ठीक हो जाएगा तब करना, मगर समझ ही नहीं रही है। नहीं नहीं एडिट करके बता, कट क्या आता है पता नहीं, थोड़ा सा 1% ठीक लग रहा है। नहीं हाँ तो हो जाएगा, जब तक 100% में से कितना परसेंट ठीक है? 100% बोलो, 2% तो ठीक है अपना। देखो चलो हम आते हैं, ठीक है ना, अपना जो भी है खाने वाने का देख लेना, और जो जैसा बोला वैसे खाना, ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, दूध पीना पी जाओगे तो पी लेना। चलो चलते हैं, ठीक है ना, और हल्का गर्म चीज़ ही खाओ तो रिलीफ मिलेगा गला में, ठीक है, चलो बाय। फ्रेंड्स शाम का 6 बज रहा है और देखिए सूर्य भगवान, मतलब अभी भी कड़कता एकदम धूप है, ये देखिए। और इसका गार्गलिंग वगैरह चल रहा है, पहले से आराम मिला है इसको, थोड़ा बहुत आराम है, तो जितना दिन लगेगा बेटा ठीक होने में तो लगेगा ही, 3-4 दिन बोला गया था तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, है ना आराम। तो चेहरा देख के भी थोड़ा सा लग रहा है कि आराम है पहले से, चलो अच्छी बात है, रेस्ट करो, इसका मतलब हाँ हूँ नहीं, जो जैसा जो खाना है दवाई खाना टाइम से खाओ, ठीक है। बाहर धूप देख रही हो, 6 बज रहा है धूप का एकदम। फ्रेंड्स मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ आलू का फ्रेंच फ्राइज, देखते हैं कैसा बनता है। आवाज़ भी ठीक से नहीं कर रहा, थोड़ा सा तभी थोड़ा सा आराम मिला यार, लेकिन बेटी का था कि मम्मा ये बना दो, चलो ट्राई करते हैं। उबलते हुए पानी में नमक डाल चुकी हूँ, डाल दिया हाँ, और इसको अच्छे से बॉइल करेंगे, 70-80% तक इसको बॉइल करेंगे, ये तो फ्रेंड्स फ्रेंच फ्राइज थोड़ा सा बॉईल करके हम लोग सूखने के लिए रख दे हैं, ऊपर है पंखा है उसके नीचे, ताकि अच्छे से सूख जाए। फ्रेंड टिश्यू पेपर के ऊपर देखे, टिश्यू पेपर गायब भी हो गया जहाँ पे रखा हुआ है, वाह। तो फ्रेंच ऐसे ही ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम बना रहे हो घर में, ट्राई कर रहे हैं,
देख सकते हो। बाद में आपको रेसिपी दिखाएंगे, लेकिन अभी ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं। इसको सूखने के लिए रखे, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये बॉईल हो चुका है, इसको फ्रीजर में रखते हैं फॉर 10 मिनट्स। और हम लोग कंटेनर इसलिए चेंज किए क्योंकि वो प्लेट रख रहे थे तो वो फ्रिज बंद ही नहीं हो रहा था। फ्रेंड्स ये देखिए हलवा बन गया। ये थोड़ा मैं गीला ही हलवा बनाई हूँ, बेटों के लिए थोड़ा सुखा रही हूँ क्योंकि मेरे गले में दर्द है, थ्रोट इन्फेक्शन पूरा। आपने तो ठीक है बेटा, आपने देखा ही होगा फ्रेंड्स व्लॉग में कि मेरा कितना ज़्यादा तबीयत ख़राब था, हालत ख़राब था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन था जिससे कि बहुत दिक्कत हो रहा था। आज भी है, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा रिलैक्स है। ठीक है बेटा, बंद कर दो गैस। फ्रेंड्स आज थोड़ा सा रिलैक्स है क्योंकि खाया तो कुछ जा नहीं रहा है, तो मैंने सोची चलो थोड़ा सा हलवा देखती हूँ बना के। तो एकदम प्लेन हलवा है, तो थोड़ा मैं गीला ही बनाई हूँ, तो खाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हो बॉईल में हल्का सा ठंडा, फ्रीजर में रखने के बाद हल्का टेम्परेचर लो होने दी, टेम्परेचर नॉर्मल करने दिए, फिर एक बार डीप फ्राई करके निकाल दिए हैं। अब सेकंड बार भी डीप फ्राई करेंगे। देखो दर्द तो हो रहा है लेकिन आज थोड़ा सा रिलैक्स है और भूख लगी थी तो इसलिए मैं हलवा बनाई। मैं आपको खा के दिखाती हूँ कैसा है। रुको, देखो फ्रेंड पहले ये देखो ये वाला हलवा और मेरा हलवा कितना मस्त है। ठीक है, मुझे तो गीला बनाना था, इससे भी ज्यादा और गीला होता तो भी चलता, मेरा सूख गया। रखे तो फ्रेंड सेकंड बार डीप फ्राई कर रहे हैं और इसके बाद इसमें पूरा अच्छे से फ्रेंच फ्राई रेडी हो जाएगा। फिर चाट मसाला भी डाल सकते हो। नहीं नहीं चाट मसाला, नमक डाल देना, मिर्च पाउडर और वो सॉल्ट तो नमक होता और वो काली मिर्च, सॉरी ब्लैक पेपर। फ्रेंड्स देखो मेरा प्यारा फ्रेंच फ्राई, देखो कितना मस्त क्रिस्प हुआ है। तो खा के देख बताता हूँ मैं आपको, स्मेल एकदम ऐसे ही आ रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा।